हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंजीत कुमार टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, यदि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा यूरिया खा रही है, चाहे 1918 हो, 4825 हो, 5530 हो, तो उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें गाड़ी में स्कैन टूल कनेक्ट करना होगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो फॉल्ट कोड है 3151 आफ्टर ट्रीटमेंट 1 SCR कैटलिस्ट सिस्टम मिसिंग कंडीशन एग्जिस्ट, और बाकी जो फॉल्ट कोड है 4487 4489 जो इंजन प्रोडक्शन के हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली इस गाड़ी में हाई डेफ कंजप्शन की कंप्लेंट है। तो सबसे पहले हम डोजिंग यूनिट को चेक करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सप्लाई यूनिट है और इसमें दो लाइन है, एक सक्शन लाइन है और एक प्रेशर लाइन है। ओके, और ये है आपका डोजिंग यूनिट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जब भी आपकी गाड़ी में हाई डेप कंजप्शन की कंप्लेंट आए तो एक बार आपको डोजिंग यूनिट को ज़रूर चेक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये मैं डोजिंग यूनिट को खोल लिया है और फिर मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको ECM डायग्नोसिस टेस्ट में जाना है और उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड सिस्टम लीक टेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगी, आपको क्या करना है, फिर से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो प्रेशर है वो बिल्डअप होना लगेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इसमें प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और यहाँ टाइमर भी चलने लगा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आइए मैं आपको डोजिंग यूनिट चेक करा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डोजिंग यूनिट है, वो लीक कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए। ओके, आपका ये डोजिंग यूनिट फॉल्टी है जिस वजह से ये गाड़ी में हाई डेफ कंजेशन की शिकायत है और इसका ATS भी खोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हमने गाड़ी का ATS खोला तो इसके अंदर इस तरह से कुछ यूरिया जमी हुई पाई थी, जो कि हम सारा कुछ क्लीन करके फिट करेंगे। ओके,